नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। फ्रेंड्स, जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत कुछ नए प्लान पेश किए, साथ में जो अपने पुराने प्लान चल रहे थे उनमें भी रिवीजन किया है। तो उसके बाद में एयरटेल ने भी अपने प्लान रिवाइज कर दिए हैं और काफी अच्छा बेनिफिट अब एयरटेल की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सभी ऑपरेटर्स अब जो है अपने प्लान को रिवाइज करने वाले हैं, तो आइडिया की तरफ से अपने दो प्लान यहां पर रिवाइज कर दिए गए। तो आज की स्टूडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आइडिया के अब इन दो प्लान का प्राइस क्या है और क्या क्या बेनिफिट आपको इन दोनों प्लान्स में मिलने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, जियो ने नए प्लान पेश किए हैं हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत। काफी ज्यादा लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि अभी तक जो है जियो की वेबसाइट या माई जियो ऐप पर वो प्लान्स है अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जियो के जो नए प्लान्स आए हैं वो 9 जनवरी 2018 से लागू होने वाले हैं, इसलिए जो वेबसाइट है वो भी अभी अपडेट नहीं हुई है, शायद वो 9 जनवरी के आसपास ही अपडेट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आइडिया की तरफ से कौन से दो प्लान यहाँ पर रिवाइज कर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आइडिया की तरफ से 449 रुपए वाला एक प्लान चल रहा था जिसमें आपको 70 डेज का वैलिडिटी मिलता था, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलते थे जिसमें आपको लिमिटेशन मिलता है रोजाना 250 मिनट का और पूरे वीक के लिए 1000 मिनट्स का और पर डे 1 GB डेटा मिलता था। तो अब इस प्लान को यहां पर रिवाइज कर दिया गया, इसकी जो वैलिडिटी है वो अब 70 डेज से एक्सटेंड कर दी गई है, यहां पर अब आपको वैलिडिटी मिलेगी 82 डेज की। दूसरा जो प्लान आइडिया ने रिवाइज किया है वो है यहां पर 509 रुपए वाला। पहले आइडिया के 509 रुपए वाले प्लान में आपको जो वैलिडिटी मिलती थी वो मिलती थी 84 डेज की, लेकिन अब 509 रुपए वाले प्लान में वैलिडिटी मिलेगी आपको 91 डेज की। अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 250 मिनट का वाला लिमिटेशन आपको मिलेगा, 1 GB करके रोजाना आपको डेटा मिलेगा। तो ये दो प्लान आज आइडिया ने यहाँ पर रिवाइज करे हैं अपने। अगर यहाँ पर जियो का जो 509 रुपए से कम वाला प्लान है यानी कि जो 498 वाला प्लान है उसमें आपको 1.5 GB डेटा रोजाना दिया जा रहा है और 91 डेज का वैलिडिटी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आइडिया ने भी जो अपने प्लान रिवाइज किए हैं, लेकिन आइडिया और एयरटेल के प्लान अभी भी काफी पीछे हैं जियो के प्लान से, क्योंकि जियो आपको दे रहा है वहां पर 50% एक्स्ट्रा डेटा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, एयरटेल, आइडिया या जियो, इन तीनों में से आपको प्लान फिलहाल किसके बेस्ट लग रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।